हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 और हम लोग करने वाले हैं आज पूजा, क्यों सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो सावन के महीने में एक त्यौहार मनाया जाता है हम लोगों में, और वो त्यौहार होता है भाई बहनों के लिए। तो भैया पांच का त्यौहार होता है, भैया पांच के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज उसी के लिए हम पूजा करने वाले हैं। यह त्यौहार, मतलब इस त्यौहार में बहनें भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और उनके खुशहाल जीवन के लिए कामना करती हैं। तो यही पूजा हम लोग आज करने वाले हैं, मैं और मम्मी जी करेंगे। बाकी सब लोग घर के जेंट्स जा चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं और मम्मी हैं बस घर में। तो हम लोग पूजा करने वाले हैं और जल्दी जल्दी से देखिए मैं तैयार भी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो मम्मी तैयार नहीं हुई हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तो मम्मी तैयार नहीं हुई हैं। मम्मी ने बोला तू चल, तू तैयार हो जा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और पूजा का सारा सामान भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, देखिए हम लोग आ चुके हैं किचन में और हम लोगों ने ये पूजा का सामान तैयार कर लिया है। ये हल्दी वाला जल है, हल्दी डाल दी है हमने इसमें, और ये दो जगह हमने कोरे कागज़ को धागे से बांध लिया है, और ये चने हमने रात में भिगोकर रख दिए थे, उन चनों से ही हम पूजा करेंगे। और ये पूड़ियाँ बनाकर हमने रख दी थी, तो ये पूड़ियों से और ये आटे की छोटी छोटी दो जगह गोलियां बनाई हुई हैं। हल्दी, ये सब सामान हमने पूजा का इकट्ठा कर लिया है, इसी सामान को यूज़ करके हम लोग पूजा करेंगे। सो गाइस, देख लिया आपने पूजा का हमने सारा सामान तैयार कर लिया है और मैं आ गई हूँ अब रूम में। तो तैयार तो मैं सब हो ही गई हूँ, पूरी तैयार हो गई हूँ, अब बस पूजा करने के लिए जाना है। पूजा करने हमें कहीं और नहीं जाना है, हम लोग घर में ही पूजा करेंगे। तो पहले तो हम लोग कहीं बाहर, मतलब ये पूजा जो होती है वो कांटेदार पेड़ों के पास ही की जाती है। तो पहले हम झाड़ियों के बीच में जाते थे पूजा करने के लिए, लेकिन अब 3-4 सालों से हम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो मम्मी घर में ही एक डाली ले आती है पूजा के लिए और उसी से हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो हम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं और इस दिन घर में खाना भी नहीं बनाया जाता है, मतलब ताज़ी खाना नहीं बनाया जाता है। एक दिन पहले शाम को खाना बना लिया जाता है और उसी खाने को आज के दिन हम लोग खाते हैं, बहनें खाती हैं और घर के सभी लोग भी वही खाना खाते हैं। और सब्जी वगैरह सब लोग, मतलब एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली जाती है और आज के दिन कुछ भी सामान घर में नहीं बनता है। शाम को हम लोग चाहें तो कुछ अलग बना सकते हैं, लेकिन सुबह हम लोगों को बासी खाना ही खाना होता है। तो बस यही है होता है इस पूजा में। तो दिखाती हूँ आपको पूजा कैसे की जाती है, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, आगे देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू रहिए गाइस वीडियो में आगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, तो गाइस पूजा करने के लिए हम लोग आ गए थे अपने घर के बाहर वाले रास्ते में, जहाँ पे मेन गेट होता है। तो घर के गेट के पास एक लगा हुआ है बहुत बड़ा अमरूद का पेड़, तो उसी की मिट्टी में हमने वो कांटेदार पेड़ की डाली को लगा लिया था। और मम्मी और मैं वहीं पर पूरे विधि ध्यान से पूजा कर रहे थे, और पूजा करने के बाद उसमें भैया पांच की कहानी भी पढ़ी जाती है। तो वो कहानी पढ़ के हम लोग सब पूरे विधि ध्यान से पूजा कर रहे थे। Thank you.
जैसे गणेश जी होते हैं जैसे पूरी विधि विधान से करने के बाद हम लोग आ गए थे रूम में, और रूम में आने के बाद हम लोगों ने आगे की क्रिया शुरू कर दी थी। तो आगे पूजा करने के बाद हमारे यहाँ चीनी मंसी जाती है, जो कि सास को दी जाती है या फिर मंदिर में दे दी जाती है, तो उसको करने के लिए हम लोग आ गए थे रूम में। लग तो ऐसे है, इनफैक्ट मुझे कुछ और भी लग रहा है। क्या माँ जैसा बन सकता है, लेकिन माँ तो नहीं बन सकता ना। छोटी के पास दो तो माँ थी, एक माँ दुनिया छोड़ के चली गई और एक माँ देश छोड़ के जा रही है। आखिर माँ ही होती है, माया चली गई, अनुपमा भी चली जाएगी। So guys, देखा आपने हम लोगों ने किस तरह पूजा की, और इसी तरह से हर सावन के त्यौहार सावन के महीने में ये व्रत किया जाता है और पूजा करके इसमें खाना खा लिया जाता है। तो और ये देखिए, आज हमारे यहाँ आ चुकी हैं हिमांशी दीदी। बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग में दिखाई दे रही हैं क्योंकि हिमांशी दीदी चली गई थी अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ पूना में, तो इसलिए नहीं दिख रही थी। और मैं भी चली गई थी छुट्टियों में मम्मी के यहाँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं, ब्लॉग में आए हैं एक साथ। तो गाइज, सक्सेसफुल हो रहा है इनका ब्लॉग, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा हमारी भाभी जी को। चलो, मुझे आगे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, दीदी ने ही बोल दिया। तो गाइज, इसी के साथ हम ब्लॉग को आज एंड करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह की पूजा की जाती है या नहीं की जाती, कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।